गुड मॉर्निंग स्मॉल किड्स, वेलकम इन आर्म्स ऑनलाइन क्लासेस। येस्टरडे आई टॉट यू वॉवल एंड कॉन्सोनेंट्स, फाइव वॉवल्स ए ई आई ओ यू एंड कॉन्सोनेंट्स आर 21, रिमेनिंग ए ई आई ओ यू। आफ्टर ए ई आई ओ यू हाउ मच अल्फाबेट्स आर रिमेनिंग? 21 अल्फाबेट्स आर रिमेनिंग। वी कैन मेक वर्ड विच वी गेट मीनिंग। हमें जो वर्ड हम बनाते हैं उसका जो मीनिंग निकलता है, अर्थ निकलता है, वो हमेशा वॉवल से ही बनता है। वर्ड वॉवल बिना वर्ड नहीं बनेंगे, इस बात का आप ध्यान रखना। ए ई आई ओ यू जब हम इसे यूज में लेंगे तभी हमें एक वर्ड मिलेगा जिसका हमें मीनिंग मिलेगा। जैसे कि कल मैंने यस्टरडे आई थॉट यू ए, वॉवल ए का मैंने कुछ वर्ड्स आपको बताए थे, आज फिर से हम रिपीट करते हैं उसे। एफ एन फैन, जे ए आर जार, वी ए एन वैन, एम ए पी मैप, सी ए पी कैप, एफ ए टी फैट, बी ए टी बैट, एच ए टी हैड, एम ए टी मैट। ये है वॉवल ए, साउंड ऑफ ए के कुछ वर्ड्स हैं। बी ए टी बैट, एच ए टी हैड, एम ए टी मैट। नेक्स्ट वॉवल था हमारा ई, नेक्स्ट वॉवल क्या था हमारा ई। आज हम ई का साउंड पढ़ेंगे, कुछ वर्ड्स इस तरह से बनाएंगे जिसमें वॉवल ई का यूज होगा, जैसे कि पी ई जी पैग, पैग यानी खूंटी जिन पे हम कपड़े टांगते हैं हमारे। एन ई टी नेट, नेट यानी कि जाला, जाली होती है, जाल होता है जिसे मछलियां पकड़ते हैं, कबूतर पकड़ते हैं, कोई भी जाली ले लो उसे हम नेट कहेंगे। आर ई डी रेड, रेड यानी कि जो लाल कलर होता है उसे हम रेड कहते हैं। पी ई एन पेन, एच ई एन हैन, टी ई एन टेन, टेन यानी कि 10। एल ई जी लेग, ई डबल जी एग, एग यानी कि अंडा। बी ई डी बेड, बेड यानी कि हमारा जो बिस्तर होता है, पलंग होता है, उसे हम बेड कहते हैं। नेक्स्ट वॉवल है हमारा ए, हो गया कंप्लीट, ई हो गया, अब हम करेंगे आई का वॉवल। आई का साउंड हम आज स्पेल करके देखेंगे, बोल के देखेंगे। के आई डी किड, किड यानी कि छोटा सा बच्चा, और जो गोट होती है, बकरी होती है, उसी के बछड़े को भी हम क्या कहेंगे, किड कहेंगे। और जो छोटे बच्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, उसे भी हम किड से प्रनाउंसिएशन करेंगे। एन ई बी निब, निब यानी कि पेन की जो नोक होती है उसे हम निब से प्रनाउंसिएशन करते हैं। पी आई जी पिग, पी आई एन पिन, एफ आई एन फिन। फिन देखो, ये जो सर्कल लगे हुए हैं, जो फिश होती है हमारी, उसके जो छोटे छोटे जो पंख होते हैं उसे क्या कहते हैं, फिन कहते हैं। बी आई एन बिन, बिन यानी कि डस्टबिन जिसमें हम कचरा डालते हैं। टी आई एन टिन, टिन देख लिए, कोई भी छोटा सा डिब्बा होता है उसे टिन कहते हैं। एल आई पी लिप, लिप यानी कि होठ। जेड आई पी जिप, जिप यानी कि चेन, जैसे कि बैग की चेन होती है, या कोई बैग बड़ा होता है उसकी चेन होती है। जैसे आज हमने क्या पढ़ा है बच्चों, वॉवल ई के साउंड पढ़े हैं, वॉवल ई ए का साउंड पढ़ा है, ई का साउंड पढ़ा है, और आई का साउंड पढ़ा है। ठीक है, ये आप अच्छी तरह वीडियो में देखेंगे और नोटबुक में नोट करेंगे, और इसे स्पेल भी करेंगे साथ में, स्पेलिंग बोलेंगे साथ में, स्पेल करोगे तो आपको जल्दी आ जाएगा। ओके, थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आई होप यू आर ओके। टुडे सब्जेक्ट इज मैथ। वी कैन लर्न यस्टरडे 80, टुडे वी कैन स्टार्ट फ्रॉम 81 इन वर्ड्स। सी हियर केयरफुली, दिस इज 81। वी कैन राइट इन वर्ड्स लाइक दिस, ई आई जी एच टी,
Y80, ONE 181. After 81, it's come 82. 8 to 82. EIGHTY80, TWO 2 82. 83. EIGHTY80, THRE 3 83. 84. EIGHTY80, FOUR 4 84. This is 85. EIGHTY80, FIVE 5 85. Next number is 86. EIGHTY80, SIX 6 86. After 86, 87. EIGHTY80, SEVEN 87. This is 88 and this is 89. And next number is 90. 90. We can spell 90. NINETY 90. Okay. Next 90 is 91. 90, you can write first 90 and then you can write ONE 91. Like this, you can write 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. After 99, we can write 100, 100, 100. We can spell 100 like this, HUNDRED 100. HUNDRED 100. We can complete today 1 to 100 in words. You can take your notebook and write first number and then you can write in words. Okay, thank you. Have a nice day. Stay safe. Stay home. Okay, thank you. Good morning, children. आज की ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम है। तो आपने क्या चल रहा था? बारखड़ी। बारखड़ी में आगे व्यंजन है च, तो व्यंजन में देखो च, छ, ज, तो देखो आप मात्रा लगाए तो क्या बन गया? च, च, ची। अब देखो ची में छोटी आ गई, ये ची है बड़ी ची। अब देखो चू है तो इसमें छोटा चू, ये चू है तो इसमें बड़ा चू। फिर चे, चई, चो, चौ, चंग, च है। अब ये छ, छ से छत्ता, छ, छ, ची, ची, छू, छू, छे, छई, छो, छौ, चंग, छ है। अब ये है जैसे जहाज, जग। तो ये जै, जा, जी, जी, जू, जू, जे, जई, जो, जऊ, जंग, जय है। ये जैसे झंडा, देखो जै, झा, जी, झी। अब देखो ध्यान रखना, ध्यान रखने की बात यही है बात कि इस ये छोटी मात्रा इधर लगेगी, बड़ी मात्रा इधर लगेगा। अब ये छोटा जू इधर होगा इसका मुंह, और इस बड़ा जू का इधर मुंह होगा। जे, जई। अब देखो इसमें तो ए में तो एक मात्रा आ गई, आई में दो मात्रा आ गई, फिर ये डंडा लगाओ तो झो बन जाएगा। इसमें दो मात्रा आ गई, डंडा आ गया तो झाऊ। तो दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जय, झा, जी, झी, धू, झू, झे, झई, झो, झऊ, झंग, जय है। अब ये है ये, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। ये, या, ई, ई, ऊ, ऊ, ए, आई, ओ, औ, अंग, ए है। आगे चलते बच्चों। बहुत बड़ी गाल और जो बड़ी। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, होल लाइन में आपका स्वागत है, खुशामदीद। आज मैं आपको बच्चों मश्क और ज़ेर के बारे में बताऊंगी और मुख्तलिफ अल्फाजों के बारे में। तो मश्क, ज़ेर, ये क्या है बच्चों? बा, ये बा है, एक नुक्ते वाला बा, और इसके नीचे ये छोटी सी लकी लगी हुई है, क्या है? ज़ेर। बा, ज़ेर, बी। उससे आगे हम बढ़े, ये है रा। रा, इसके नीचे बच्चों ये क्या है? छोटी सी लकीर है, इसको क्या बोलते हैं? जेर।
रा जे री, ये इसको गोल वाला है भी बोलते हैं बच्चों और शोशी वाला है भी बोलते हैं। हा जे ही, इसके नीचे तीन नुक्ते आते तो पा होता और इसके ऊपर तीन नुक्ते आए, देखो बच्चों ये रहा एक दो और ये तीन, तीन नुक्ते ऊपर आए तो ये क्या है सा, ताकि नीचे ये क्या है बच्चों जेर, सा जेर सी, इसके ऊपर दो नुक्ते ये क्या है ता, ता इसके नीचे जेर है, पहले क्या नाम है अल्फाज का नाम लेंगे उसके बाद बच्चों जेर का नाम लेंगे, ता जेर ती, इसके ऊपर एक नुक्ता है तो ये क्या हो गया जा, और ये क्या है नीचे जेर, जा जेर जी, ये छोटा सीन और इसके नीचे क्या है बच्चों जेर, छोटा सीन जेर सी, डाल जेर डी, या डाल जेर डी, या जेर यी, ये कौन सी या है बच्चे छोटी है और इसके नीचे क्या है जेर, या जेर ही, खा जेर खी, अगर ये खाली आता तो बच्चे क्या होता हा, और इसके ऊपर एक नुक्ता है तो क्या हो गया खाली आता तो हा होता, और इसके सिर पे एक नुक्ता है तो ये क्या है खा, खा जेर खी, बड़ा जेर जी, एक नुक्ते वाला जे आया था बच्चों और यहाँ तीन नुक्ते वाला क्या आया है बड़ा जे, बड़ा जे देर जी, फिर ये है जोए, एक नुक्ते वाला क्या होता है बच्चों जोए, जोए के नीचे क्या है जेर, जोए जेर जी, फिर अल्फाज का नाम लेंगे, फिर जबर जेर जो भी लगा हुआ है उसका नाम लेंगे, यहाँ जेर है तो जेर का नाम लेंगे, एन जेर ई, गाव जेर गी, वाव जेर वी, टा जेर टी, मुख्तलिफ मुख्तलिफ अल्फाज है और उसके नीचे जेर है, हा जेर ही, फिर एक तोय जेर ती, बड़ा कोप जेर की, ये बड़ा कोप है बच्चों, जाल जेर जी, जीम जेर जी, बड़िये जेर ही, पा जेर पी, जैसे मैंने बताया था बच्चों आपको के ऊपर नुक्ते आते हैं तो क्या होता है सा, और नीचे नुक्ते आते हैं तो क्या हो गया बच्चों पा, फा जेर फी, ये फा है और इसके नीचे जेर फा जेर फी, फिर ये है बच्चों लाम, और फिर ये है जेर, लाम जेर ली, गैर जेर गी, बड़ा शीन जेर शी, बिना नुक्तों का छोटा सीन आता नुक्ते वाला बड़ा शीन आया, जुआ जेर जी, जे जेर ची, एक नुक्ते वाला जीम आता है और जिसके पेट में तीन नुक्ते होते हैं बच्चों को क्या आता है चे जेर ची, मीम देर मी, हड़े जेर हड़ी, अलीफ जेर ई, ये क्या है छोटा सा हमजा, हमजा जेर ई, स्वा जेर सी, हा दो तश्मी हा जेर ही, नून जेर नी, दाल जेर दी, काफ जेर की, अब बच्चों खाली मैं अल्फाजों को बताऊंगी ऐसे नहीं बताऊंगी, बाजेर बी राजेर री, बाजेर बी राजेर री, हाजेर ही, साजेर सी, ताजेर ती, जाजेर जी, सिंदेर सी, डालजेर डी, याजेर ही, खाजेर खी, बड़ा जेजेर जी, दोजेर जी, तोजेर ती, गावजेर गी, वावजेर वी, टेजेर टी, हाजेर ही, तोजेर ती, कोबजेर की, जालजेर जी, जीमजेर जी, बड़े जेर ही, पाजेर पी, फाजेर फी, लामजेर ली, गंदर गी, शींदेर शी, जुआजेर जी, चेजेर ची, मीमजेर मी, हड़जेर डी, अलीफ जेरी, हमजा जेरी, स्वाजेर सी, हाजेर ही, नून जेर नी, दाल जेर दी, छोटा काफ जेर की, देखो बच्चों बार बार तुम्हें अलग अलग मुख्तलिफ अल्फाज समझाए जा रहे हैं और उसके साथ में जबर जेर पेश सबकी शनाख्त की जा रही है, तो बहुत अच्छे से तुम्हें और अल्फाज भी देखो कितने खुले खुले साफ साफ है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से आप याद करो अपनी बहन या अम्मी के पास बैठ के और अपनी नोटबुक निकाल के उसमें इसको लिखो भी और मश्क भी करो, मश्क मतलब बार बार लिखो साफ साफ राइटिंग में और लाइन के ऊपर आनी चाहिए बच्चों, इतना मैंने बड़ा लिखा है तो लाइन के ऊपर नीचे हो गया, लेकिन आपको बिल्कुल लाइन के बराबर बराबर लिखना है,
और अपना ध्यान रखना है और पढ़ाई को अच्छे से करना है और बाहर नहीं निकलना, अभी गर्मी हो रही है, लू वगैरह भी और बीमारी का भी अंदेशा है। ठीक है बच्चों, अच्छे से याद करना। अल्लाह हाफिज़।